बीते दिन ही एक गायक मास्टर सलीम वालों नकोदर में चल रही एक सूफी महफल के दौरान दुनिया भर की आस्था के केंद्र माँ भगवती के पवित्र स्थान माता चिंतपुर्णी दरबार बारे एक आपत्तिजनक जी गल है उत्थे लोगों को संबोधन करने के दौरान की गई जिदा असी अपने वालों विरोध भी दर्ज कराया जिदे वालों बयान दिता गया कि मैं महामाई के दरबार च गया उत्थे मैनू पुजारी जी ने कहा कि यह हो गया माँ का आशीर्वाद भी इस ना मेरे प्यो का की हाल है बाबा गुलाम शाह जी का की हाल है बाबा लाडी शाह जी का की हाल है जो सानू लगता कि सनातन धर्म दीयां भावनावां नाल खिलवाड़ करन दा यतन किया गया सोचे समझे षड्यंत्र दे तहत हालांकि बाद च बंद कमरे च बैठ के माफ़ी मंगन का भी वीडियो सामने आई है लेकिन इस बार असी सनातन धर्म प्रेमियों की जी आक्रोश है उन्होंने मुख रखते हैं और अपन भावनावान मुख रखते हैं माँ की प्रति साड़ी जी आस्था बिल्कुल भी असी इस बार कोई माफ़ी की गुंजाइश नहीं रखी। कानूनी कार्रवाई कराने लिए मुकदमा दर्ज कराने लिए शिवसेना पहले अज शिकायत जो पहला मैं समझता प्राथमिकता तौर से दर्ज करानी पैंदी है वो दर्ज कराने आए हैं। जे आने वाले दिनों च मुकदमा नहीं दर्ज होंदा इहदे खिलाफ़ बनती कार्रवाई सख्त तो सख्त नहीं होंगी तो असी पूरे पंजाब पद्धर से मानयोग पंजाब प्रधान श्री योगराज शर्मा जी की अगवाई जिहड़ा भी सानू संघर्ष करना पिया सड़कां रोकनिया पईआं चक्के जाम करने पे जो भी संघर्ष करना पिया पूर्ण रूप च करांगे। अजे सिंगर लाइमलाइट च अपने आप नूं लियाउण दे लई किसी ना किसी धर्म के बारे किसी ना किसी समाज के बारे बोलते हैं। अब बीते कुछ दिन पहला मैं देख रहा सी कि इसे गायक वालों विवादों के जिहड़ा आंदा इहदा शौक है पुराना उस शौक नूं कायम रखदे आ किसी होर भाईचारे बारे भी पहला टिप्पणी की गई बाद च फिर माफ़ी मंगी गई। जलंधर SSP दफ्तर अज शिवसेना पहुंची है मास्टर सलीम के खिलाफ मंग पत्र लैके। तुहानू दस दिए कि कुछ दिन पहला मास्टर सलीम दे वल्लों एक आपत्तिजनक स्टेटमेंट दिती गई सी जिस नाल हिंदू समाज दीआं भावनावां नूं ठेस पहुंचिआ है जिस दे चलदे हिंदू समाज ने गुस्सा जताया ते इसे दे चलदे अज शिवसेना पहुंची है SSP दे दफ्तर ते जिथे मास्टर सलीम दे खिलाफ बंदी कारवाई दी मांग कीती गई है। अज शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे दे पंजाब प्रदेश स्पोक्सपर्सन चंद्रकांत चड्डा ने मास्टर सलीम दे खिलाफ मांग पत्र दिता है जिस विच उन्हां दा कहना है कि साडे समाज बारे कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करे ये साडे तो बर्दाश्त नहीं होवेगा। ਭਾਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਨੇ ਕੱਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਚੱਡਾ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਉਧਵ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ ਜੀ ਗੁਰਾਇਆ ਤੋਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸੈਣੀ ਜੀ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਿਆਲ ਜੀ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਫਦ ਹੈ ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ SSP ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਸਰਦਾਰ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਵੱਲੋਂ ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦਰਬਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਇਸ ਨਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਸ਼ਡਿਅੰਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਉਸ ਮੰਚ 'ਤੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਰੋਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸਥਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਗਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਕਰਨੇ ਪਏ ਜੋ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੁਖ ਜੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਆ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ
यह पहली बार नहीं होया और जलंधर की मीडिया भी पता है, होर भी तमाम मीडिया को पता है कि अजे सिंगर लाइमलाइट अपने आप को लियाने किसी ना किसी धर्म के बारे किसी ना किसी समाज के बारे बोलते हैं। अब बीते कुछ दिन पहला मैं देख रहा कि इस गायक वालों विवादों के जो आंदा शौक पुराना उस शौक को कायम रखद किसी होर भाईचारे बारे भी पहला टिप्पणी की गई, बाद फिर माफ़ी मंगी गई। ये हमेशा पहला टिप्पणियां करते हैं, लोगों दिया भावनावान खेड़ते हैं, बाद एक माफ़ी जी एक छोटा जहा लफ्ज़ है जो अंग्रेज़ सूँ दे गए हैं उन्होंने ये आड़ लैके लोगों दिया भावनावान खेडन का यतन करते हैं। जो इस बार मैं समझदा शिवसेना हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी, पूरे सूबे पद्धर से विरोध जो जारी है, कई स्थानों से साढ़े जो शिवसैनिक ने पुतले भी फूक रहे हैं, तो आने वाले दिनों जो मुकदमा नहीं दर्ज होया असी बेनती लैके आए हैं। सानू विश्वास है कि साड़ियां भावनावान मुख रखता है, प्रशासन साडा साथ देगा, तो यह जे सिंगरों नकेल कसनी क्योंकि लगातार धार्मिक योजना में कभी यह गीत गा देंगे, कभी किसी धर्म का मजाक उड़ाते हैं, जब तक इन्हों नत्थ नहीं पाई जाएगी मैं नहीं समझता कि आने वाला टाइम जो है सिंगर वास्ते एक सबक का जरा तरीका होगा। तुम्हें की लगता है कि मानसिकता हो गई तुम क्या बार बार एक तरह रिपीट हो रहा जरा बार बार रिपीट क्यों हो रहा फिर माफी मांग ली? देखो ये लोगों का जोड़ा आकर्षण है उस डेरे वाल लियाउण दे लई एक प्रयास करे कोई व्यक्ति सानू मंजूर है, जे किसी भी होर अपनी भावना च रखे किसी नूं उत्थे दे जिहड़े उपलब्धियां ने उत्थे दे जिहड़े विचार ने वो सांझे करन, लेकिन किसी ने भी अधिकार नहीं देता कि असी माता चिंतपुरन जो सारे जगत जगत की माँ है उहदा नां यूज़ करके। और देखो उन्हें गल की कीती कि जे वो माँ का आशीर्वाद भी पियो इधर भी किदां असी किसी दीआं भावनावां नाल खेड़ सकदे आ, किहनूं राइट देता भी लगातार ये देखो इन्हां दे विचों एक सिंगर है जी खान जिन्हें बीते कुछ समय पहला इदा ही एक धार्मिक योजना के विच पैग मोटे मोटे चोली के पीछे क्या इदा दे गीत गाए, ये लोगों दी मानसिकता बिल्कुल तुसीं देख सकते हो। और बीते दिन भी जदों महामाई के दरबार से जाके इन्हें माफ़ी मंगी है माँ चिंतपुरनी दरबार, बेशक ये दरबार साडा सांझा कोई भी जा सकता उत्थे माफ़ी मंगन के दौरान भी जिहड़ा कह रहा मैं 25-30 साल तो महामाई का गुणगान कर रहा भगवती जागरण कर रहा मैं मर्यादा च रहना उत्थे मर्यादा का की पता लग्या जो चरणामृत पंडित जी ने आदरणीय दिता उत्थे इहनूं चरणामृत नहीं ग्रहण करना आया वो साथियों ने आदरणीय पंडित जी ने दस्सिया भी किदा हथ करीदा किदा ग्रहण करीदा प्रसाद, तो ये लोगों की मानसिकता किन्ना के मर्यादा के प्रति गंभीर ने किन्ना किन्ना लोगों को ज्ञान है वो सारा कुछ महामाई खुद ही इशारा करके उस स्थान के उत्ते दस चुके हैं। तो सानू लगता है कि इस बार एक जिहड़ा मास्टर सलीम है एग्जाम्पल सैट होएगा उन्होंने लोगों लिए जिहड़े लगातार विवादों च रहने लिए दूसरे धर्म के बारे टिप्पणियां करते हैं। तुम देखो बीते एक साल पहला इसे डेरे के दौरान सूफी महफल के दौरान एक गायक जिन्हों बाबा बोड़ किया जाता गायकी दुनिया का जिन्हें अज तक कभी मैं समझदा कोई अश्लीलता भरिया गाना नहीं गाया, उन्होंने भी लाडी शाह जी की तुलना जी है वो किसी गुरु साहब ना की, तो इमीजिएट इफेक्ट लोगों के आक्रोश वह परचा दर्ज होया। यह साड़ी विडंबना कि पंजाब दे विच जदों भी सनातन धर्म प्रेमियों की जो भावनावान का खिलवाड़ हुंदा सानू दर बर दर जाके ठोकरा खानिया पैंदियां, लेकिन इस बार असी हर उस यतन लई हर कुरबानी लई हर त्याग लई तैयार हाँ। शिवसेना के सारे योधे जिहड़े आ वो किसी भी हालत इस बार माफ़ी नहीं देने वाले, असी हुणे भी कौणा माफ़ी देने वाले जो कानून के मुताबिक सज़ा, क्योंकि एक आसान जी गल भी सामने लोग ले आते हैं कि जब माफ़ी मांग ली तो मसला खत्म, जे माफ़ी ना ही मसला खत्म होना तो जिहड़े अज गुनाहगार जेलों च बंद ने जिन्हों सजावां मानयोग अदालतों ने दित्तियां वो भी माफ़ी मांग लेंदे अपने किए की, माफ़ी शब्द कहना सौखा लेकिन एक साजिश लगातार बार बार विवाद च रहने लिए जिहड़ा दूजे धर्म बारे टिप्पणी करदे उहदा इक्को एक हल है कि इन्हां नूं बनदी सज़ा जिहड़ी इन्हां दी ओह मिले। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਜਦੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਜਲੰਧਰ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖ ਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਡੀਏ ਲੀਗਲ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।